जय शनिदेव। प्रिय भक्तगणों, मैं गुरु रजनीश ऋषि शनि पीठ मंदिर 38/18 ईस्ट पटेल नगर नई दिल्ली से आज पुनः आप सभी के समक्ष प्रस्तुत हूं। कुछ ऐसे उपायों को लेकर जिनके द्वारा आप अपनी परेशानियों को दूर करते हुए, जो विभिन्न प्रकार की परेशानियां हैं, ग्रहों से संबंधित ग्रह जनित पीड़ा है, उनको बहुत आसान मंत्रों से दूर कर आप सुख शांति और सौभाग्य की वर्षा प्राप्त कर सकते हैं। साध साध के साधु हुआ, मिटा दिया मन का मोह, आ थाम ले मेरा हाथ और चल पड़ परमात्मा की ओर। इन पंक्तियों के साथ आज हम चर्चा करने जा रहे हैं कि कैसे मैं आप सभी के जीवन में केवल मंत्रों के माध्यम से सुख शांति और समृद्धि की वर्षा ला सकता हूं। क्यों? क्योंकि आज जब भारतवर्ष की 90% आबादी उपायों पर, जो वैदिक धर्म ग्रंथों में दिए गए उपायों के ऊपर, रतनजड़ित मुद्राओं के ऊपर, रतनजड़ित अंगूठियों के ऊपर, रतनजड़ित लॉकेटों के ऊपर जब पैसा खर्च करने में असमर्थ है, क्योंकि उसकी जेब खाली है और लगातार हो रही ग्रहजनित पीड़ाओं से वो परेशान होकर और ज्यादा परेशानियों के समुन्द्र में डूबता चला जा रहा है, तो उसे कैसे इन सब चीजों से बिना खर्च के आसान उपायों के माध्यम से उसके जीवन में प्रसन्नता लाई जाए, उसके मलिन होते हुए मुख को हंसी और मुस्कुराहट प्रदान की जाए, इस विषय पर चर्चा करने के लिए आज मैं आप सभी के समक्ष उपस्थित हुआ हूं। तो प्रिय भक्तगणों, जैसा कि आप जानते हैं कि आज हमारे देश में, हमारे सनातन हिंदू धर्म में पूजा पाठ के नाम पर, उपायों के नाम पर लोगों को बुरी तरीके से ठगा और लूटा जा रहा है। इस परंपरा को तोड़ते हुए मैं आज आपके समक्ष आपकी ग्रह जनित पीड़ा प्रदान करने वाले ग्रहों के बारे में एक एक करके आपसे चर्चा करूंगा और उनके निवारण की पद्धति, जिसे मैंने खुद अपने जीवन में बहुत लंबे समय तक प्रयोग किया है, वह आज आपके समक्ष प्रस्तुत करने जा रहा हूं। आप ध्यान पूर्वक आखिर तक मेरे इस उपाय और उससे जुड़े हुए रहस्यों को, जो मैंने आसान शब्दावली में प्रयोग किया है, उसे समझकर अपने जीवन को सुखमय बना सकते हैं। जिन व्यक्तियों ने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या सब्सक्राइब कर लिया है मगर बेल के आइकन को नहीं दबाया है, जिसके कारण आपको मेरे स्वयं के यानी गुरु रजनीश ऋषि के, गुरु मां रुक्मणी के और स्वामी राज ऋषि के वीडियो प्राप्त नहीं हो पा रहे हैं, क्योंकि आपने बेल का आइकन दबाया ही नहीं था, खाली सब्सक्राइब किया है, तो वो तुरंत बेल के आइकन को दबाएं और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब करने के तुरंत बाद बेल के आइकन को अवश्य दबाएं, ताकि हमारे द्वारा बनाए गए हर नए वीडियो की जानकारी तुरंत आप तक पहुंच सके और उस वीडियो को देखकर आप अपने जीवन को सुख में बना सके। तो हम चर्चा कर रहे थे ग्रहों की प्रसन्नता के बारे में। देखिए, हम जब हम जन्म कुंडली की बात करते हैं और जिन लोगों को अपनी जन्म तिथि और जन्म समय नहीं पता है, उन लोगों से के लिए उनका चेहरा और उनकी परेशानियों के साथ साथ प्रश्न कुंडली का निर्माण किया जाता है और उसके आधार पर जिनके पास जन्म कुंडली है उनको जन्म कुंडली के द्वारा
और जिनके लिए प्रश्न कुंडली बनाई जाती है उनको प्रश्न कुंडली के माध्यम से विभिन्न पीड़ाओं को, जो ग्रह जनित पीड़ाओं को उपाय बताए जाते हैं। और जिनके पास ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है, जो लोग नाम मात्र से अपने नाम के पहले अक्षर से अपनी राशि को मानकर चलते हैं, उनको राशि के माध्यम से विभिन्न ग्रहों से संबंधित पीड़ाएं या उनकी विभिन्न परेशानियों के पीड़ाओं के उपाय बताए जाते हैं। समस्या क्या है जन्म कुंडली की? जन्म कुंडली क्या है? क्या है ये जन्म कुंडली? साइंस क्या कहती है? साइंस कहती है जिस समय जिस जगह पर कोई बच्चा जन्म लेता है उस समय उस जगह के ऊपर आसमान में विभिन्न ग्रहों की जो स्थिति है उसको घड़ी की सुइयों के हिसाब से जब हम अंकित करके 1 से 12 तक के भागों में विभक्त करके आपके सामने प्रस्तुत करते हैं, 12 से लेकर 1 के बीच में जो खाना है उसके बीच में अगर कोई ग्रह आता है तो उसे वहां अंकित करते हैं, 2 से लेकर 3 तक के बीच में आने वाले खाले को वहां अंकित करते हैं ग्रहों को। इस प्रकार से ग्रहों को क्रमवार आसमान में उस बच्चे के ऊपर जो आसमान है उसमें जो ग्रह की स्थिति है उसके हिसाब से अंकित किया जाता है, उसे जन्म कुंडली कहते हैं। यह हमारी साइंस है, यह किसी ढोंगी और पाखंडी का बनाया हुआ वो नहीं है। हमारे ऋषि मुनियों ने अपनी तपस्या के बल पर, अपनी रिसर्च के बल पर, अपनी खोजों के बल पर, वर्षों की तपस्या और मेहनत के पश्चात इन सब चीजों का जो आकलन किया था आज हम उसे जन्म कुंडली कहते हैं। लेकिन जन्म कुंडली क्या है? जन्म कुंडली तो इससे भी कुछ परे है। पिछले जन्म में हमारे जो कर्मों का फल था, जिनके फल हमें नहीं प्राप्त हुए पाए थे, उन ग्रहों के, उन कर्मों के फल जो हमें इस जन्म में लेने हैं, एक्चुअल में तो वही अंकित होकर आते हैं। अगर हमने कुछ अच्छे कर्म किए थे, सपोज कीजिए हमने सूर्य से संबंधित कुछ अच्छे कर्म किए थे, सूर्यदेव से संबंधित, तो यहां हमारे सूर्य प्रसन्न होकर हम इस जन्म में हमें हमारी जन्म कुंडली में दिखाई देंगे। और हमने सूर्यदेव के प्रति कुछ सूर्य से संबंधित जो अशुभ कर्म किए होंगे तो हमारे सूर्य जो इस जन्म कुंडली में, हमारे इस जन्म की जन्म कुंडली में खराब होकर, नाराज होकर, नीच के होकर, पीड़ित होकर कष्ट प्रदान करने वाले बनेंगे, जो हमें बताएंगे कि आपके अगर सूर्य खराब हैं तो उनका फल खराब मिलेगा इस जन्म में, और अगर सूर्य बहुत अच्छे हैं तो निश्चित रूप से सूर्य का आपको अच्छा फल मिलेगा, गवर्नमेंट जॉब बनेगी, आपकी गवर्नमेंट की जॉब लगेगी, मिनिस्टर भी बन सकते हैं, प्रधानमंत्री भी बन सकते हैं, राष्ट्रपति भी बन सकते हैं, एमएलए काउंसलर भी बन सकते हैं, एमपी भी बन सकते हैं, आईएएस पीसीएस ऑफिसर भी बन सकते हैं, जुडिशरी के से जज भी बन सकते हैं और क्लर्क भी बन सकते हैं। तो ये ग्रह की जो, सूर्य ग्रह की जो स्थिति थी पिछले जन्म में, जो हमने कर्म किए थे उनसे संबंधित, उन कर्मों का फल हमें इस जन्म में यहां प्राप्त होता है। ऐसे ही एक एक करके चंद्र देवता का, बुद्ध मंगल देवता का, बुद्ध देवता का, बृहस्पति देवता, शुक्र देवता, शनि देव, राहु महाराज और केतु महाराज के भी जो शुभ या अशुभ फल जो हमने पिछले जन्म के कर्मों के आधार पर होते हैं वो यहां आकर हमें उसी प्रकार के ग्रहों के बीचों में, जब आसमान में खराब ग्रह होते हैं तब हमारा जन्म होता है, जो ग्रह खराब होगा उसी के अनुसार हमारा जन्म होता है, तब हमें वो खराब ग्रह अंकित हमारी जन्म कुंडली में स्पष्ट दिखाई देते हैं। जो कोई भी ज्ञानी विद्वान, जो एस्ट्रोलॉजर है, जो ज्योतिषीय परामर्श देता है, वो आपको बहुत आसानी से आपकी जन्म कुंडली में देखकर बता सकता है। आजकल तो कंप्यूटराइज जन्म कुंडली आ रही है, उसमें आपको स्पष्ट दिखाई देता है कि यह ग्रह नीच का है, यह उच्च का है, यह अस्त ग्रह है, इस ग्रह की डिग्रियां इतनी है, इस ग्रह के इतने अंश हैं। उसी के आधार पर ग्रहों के फलों की विवेचना हम जैसे लोग आप लोगों के समक्ष करते हैं। तो ये हमारे कर्म थे, जन्म कुंडली नहीं है, वस्तुतः ये हमारे कर्म हैं जो पिछले जन्म से हमारे साथ चले आ रहे थे,
बुरे कर्म थे तो हमारे को बुरे ग्रह प्राप्त हो रहे हुए, अच्छे जो ग्रह हमने अच्छे कर्म किए थे जिस ग्रह से संबंधित वो अच्छे कर्म के रूप में हमें इस जन्म में प्राप्त हुए और उनके फल निश्चित रूप से हमें उसी के अनुसार यहां पर भुगतने होंगे। यह अटल सत्य है, इस सत्य से कोई भी अपना मुख नहीं मोड़ सकता है। आप जैसे बहुत सारे व्यक्ति मुझसे पूछते हैं, गुरुजी क्या भाग्य को बदला जा सकता है? क्या परमात्मा ने आपकी किस्मत में लिख दिया है वो बदल सकते हैं? सबसे पहले जान लीजिए, परमात्मा के पास इतनी फुर्सत नहीं है कि इस दुनिया की 6 अरब आबादी को अच्छे बुरे में उनके कर्मों का ही हिसाब लगाने में लगा है। उसके लिए तो ये जो मंत्रालय है नवग्रह देवताओं के पास है, हर ग्रह का अपना मंत्रालय है। जैसे यहां होता है सिंचाई मंत्रालय है, रक्षा मंत्रालय है, गृह मंत्रालय है, ऐसी हमारे नवग्रह देवताओं के अलग अलग मंत्रालय हैं। वो अपने अपने ग्रहों की जांच परख करके आपके कर्मों के आधार पर आपको इसी जन्म में, या जिन कर्मों का फल आपको इस जन्म में नहीं मिल पाता उन कर्मों का फल आपको अगले जन्म में प्रदान करते हैं। अब समस्या ये आती है, क्या ग्रहों को प्रसन्न किया जा सकता है? क्या भाग्य बदला जा सकता है? अगर आप ग्रहों को प्रसन्न कर सकते हैं तो निश्चित रूप से आप क्या कर रहे हैं, भाग्य बदल रहे हैं। मेरे साथियों, जो ये विश्वास करते हैं कि भगवान के लिखे को बदला नहीं जा सकता, वो अपनी यादाश्त दुरुस्त कर लें। हमारे देश का एक चाय बेचने वाला बच्चा अपने जीवन में अपनी मेहनत के बल पर अपने ग्रहों को खुश करते हुए एक एक धर्म स्थल पर जाकर मत्था टेकते हुए एक एक धर्म गुरु का आशीर्वाद लेते हुए आज हमारे सामने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रूप में हमारे सामने खड़ा हुआ है। क्या यह खाली उनकी जन्म कुंडली के अच्छे ग्रहों का परिणाम था? नहीं, निश्चित रूप से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के लिए यह उनके इस जन्म के कर्मों का भी फल है। उन्होंने इस ग्रहों की स्थितियों को सुधारते हुए उन ग्रहों की स्थितियों में सुधार करने के लिए किस किस धर्म स्थल पर जाकर मत्था नहीं टेका होगा, किस किस धर्म गुरु की शरण में नहीं गए होंगे, किस किस भगवान के दरवाजे पर जाकर हाजिरी नहीं लगाई होगी, क्योंकि वो बहुत ही धर्म परायण और नेक व्यक्ति रहे हैं। तो उन्होंने निश्चित रूप से अपने कर्मों के बल पर, अपनी तपस्या के बल पर, अपनी पूजा के बल पर अपने भाग्य को, अपने लिखे हुए भाग्य को भी परिवर्तित किया है। चाहे हमारे राष्ट्रपति पूर्व के राष्ट्रपति रहे हों, विभिन्न मंत्री रहे हों, उनके हाथों में आपने देखा होगा कि बहुत सारी मुद्रिकाएं, अलग अलग समय पर अलग अलग मंत्री जो आज भी मंत्री रहे हैं, पहले भी कोई बहुत सारे मंत्री ऐसे रह चुके हैं और आगे भी बहुत सारे ऐसे मंत्री रहेंगे जो अपने कर्म के बदले पर विभिन्न उपायों के द्वारा, चाहे वो अंगूठियां पहनकर, चाहे वो लॉकेट पहनकर, चाहे वह पूजा के द्वारा, चाहे वह यज्ञ पूजन हवन और मंत्रों की साधना के बल पर अपने ग्रहों को ठीक करते हुए अपने भाग्य की उच्चतम स्तर तक पहुंचने में सफल रहे हैं। तो भाग्य कुछ नहीं है, भाग्य तो सिर्फ हमारे कर्म का प्रतिरूप है। पिछले जन्म में कर्म किए थे, उस समय के जिन कर्मों का फल हमें नहीं मिला वो कर्मों का फल अब इस जन्म में मिल जाएगा। बाकी हम इस जन्म में जो कर्म करेंगे उन कर्मों का फल हमें इस जन्म में और इसके साथ साथ आने वाले अगले जन्म में निश्चित रूप से प्राप्त होगा। यह अटल सत्य है। तो आप यह बहुत दृढ़ रूप से, निश्चित रूप से अपने मन मस्तिष्क में बैठा लीजिए कि आप अपने कर्मों के बल पर, अपनी मेहनत के बल पर, उपायों के बल पर, पूजा अर्चना तपस्या के बल पर, हवन पूजन के बल पर अपने ग्रहों को निश्चित रूप से बदल सकते हैं और शुभ फलों को प्राप्त कर अपने जीवन को उच्चतम स्तर तक ले जा सकते हैं। तो आज की इस चर्चा में हम आपको बताना चाहेंगे कि मंगल देवता कैसे प्रसन्न करें। मंगल देवता जो आपकी जन्म कुंडली में शुभ स्थान पर नहीं है, जो विधिवत प्रयोग है, तो जिन व्यक्तियों को थोड़ा विधि विधान से पूजा करनी है तो वो हमारी जो नीचे
वेबसाइट आ रही है, उस वेबसाइट पर जाएं, वहां से हमें ईमेल करें, हम आपकी ईमेल पर निश्चित रूप से मंगल देवता का फोटो, मंगल देवता का जो विधि विधान हमने तैयार किया है, वह जो 15-20 मिनट की पूजा का विधि विधान है, वह हम आपको भेज देंगे। हम निश्चित रूप से फ्री ऑफ कॉस्ट भगवान मंगल देवता का फोटो और उनसे संबंधित जो विधि विधान है पूजा का, वो आपको ईमेल के माध्यम से उसी दिन अवश्य भेज देंगे। और जो व्यक्ति सिर्फ बीज मंत्रों को जाप करना चाहते हैं, तो बीज मंत्र जो होते हैं, ऐसा समझ लीजिए उस मंत्र के जो बीज हैं, वो बीज हर बीज पर मंगल देवता के दरवाजे की घंटी बजती है। जब वो बीज ओम नामक प्राण में पिरोकर भगवान जी को हम ध्यान लगाकर साधते हैं मंत्रों के माध्यम से, जो बीज मंत्र है बहुत प्रभावशाली बीज मंत्र है, और हम उसे तांत्रिक बीज मंत्र के नाम से भी जानते हैं, उसमें 3 बीज होते हैं, तो वह जो तांत्रिक बीज मंत्र है वह इस प्रकार से है, ओम क्राम क्रीम क्रोम सह भौमाय नमः। यहां जो क्राम क्रीम क्रोम जो है ये बीज हैं, ओम जो है प्रणव है, यानी किसी रेलगाड़ी के डिब्बे के 3 डिब्बे हैं, क्राम क्रीम क्रोम, और आखिर में जो टीटी का डिब्बा है सह भौमाय नमः, और सबसे पहला जो है वो ओम नाम का इंजन है, जो आपकी पूजा को, आपकी साधना को मंगल देवता तक पहुंचाने में समर्थ होता है। मंगल देवता प्रसन्न होकर निश्चित रूप से हमें आशीर्वाद प्रदान करते हैं। आप इस बीज मंत्र को 1 से लेकर 5, यानी या तो 1 माला या 5 माला या 11 माला नित्य प्रति भगवान मंगल देव को प्रसन्न करने के लिए इस मंत्र से उनका जाप करिए। और अगर विधि विधान से कहें करेंगे आप, धूप दीप जलाकर पूरे विधि विधान से जो मंत्रों और जो अन्य मंत्रों का साथ लेकर आप करेंगे, क्योंकि जो भी हम पूजा करते हैं सर्वप्रथम भगवान श्री विष्णु को समर्पित करते हैं, तो भगवान विष्णु जी के सामने संकल्प कर, और भगवान विष्णु जी के सामने संकल्प करने के लिए लक्ष्मी जी का साथ होना भी जरूरी है। इसीलिए जब आप देखते हैं ना, भगवान जब कोई पुजारी या पुरोहित आपसे संकल्प करने के लिए कहता है, तो विष्णु जी के नाम पर संकल्प कराने से पहले आप और कोई थोड़ी सी मुद्रा, यानी 5 रुपए का सिक्का, 10 रुपए का सिक्का, या कोई अन्य धन के रूप में आपको अपने हाथ में रखने के लिए चावल और पुष्प के साथ कहता है कि आप इनको हाथ में रखिए और संकल्प वो आपको पढ़वाते हैं। तो उस तरीके से विधि विधान से, उसमें भी आपको 1 माला के जप करने के साथ 21 मिनट की पूजा है, वो आप नित्य प्रति भगवान मंगल देव को प्रसन्न करने के लिए कर सकते हैं। और जिन सज्जनों को यह पूजा उपलब्ध नहीं हो रही है, वह बिना किसी झिझक के हमारी वेबसाइट, सिर्फ और सिर्फ वेबसाइट पर जाकर हमें ईमेल करके लिखेंगे, तो हम निश्चित रूप से उसी दिन या अगले दिन तक आपको जरूर भेज देंगे। जिनका प्रिंट आउट निकलवा कर किसी फोटोग्राफर की दुकान में जाकर फोटो का प्रिंट आउट निकलवाएं, उसे फ्रेम कराएं, और जो प्लेन पेपर पर आप प्लेन जो पूजा का विधि विधान है उसको प्रिंट कराकर आप उसे पढ़कर आप पूजा कर सकते हैं। और उस तरीके से की गई पूजा जल्दी ही भगवान विष्णु के माध्यम से भगवान श्री मंगल देव तक पहुंचती है, और जब भगवान श्री विष्णु बीच में आते हैं तो निश्चित रूप से मंगल देव भी अपना फल देने के लिए बाध्य होते हैं। इसके अलावा मैं आप सभी भक्तगणों से कहना चाहूंगा, जो भी व्यक्ति किसी भी प्रकार की परेशानी, चाहे उनके बच्चों का पढ़ने में मन नहीं लगता है, चाहे उनके एग्जाम में कम नंबर आते हैं, चाहे वो इंजीनियरिंग की तैयारी कर रहे हो, IAS की तैयारी कर रहे हो, IPS की तैयारी कर रहे हो, मेडिकल लाइन की तैयारी कर रहे हो, चार्टेड अकाउंटेंट की तैयारी कर रहे हो, या चार्टेड अकाउंटेंसी के पेपर क्लियर नहीं हो रहे हो, या लॉ के पेपर क्लियर नहीं हो रहे हो, इस तरह की किसी भी पढ़ाई में उनका मन नहीं लगता हो, या एग्जाम में कम नंबर आते हो, या नौकरी नहीं लग रही हो, या व्यापार नहीं चल रहा हो, या शादी में विलंब हो रहा हो, या शादी नहीं हो पा रही हो, या अपना घर नहीं है, अपना मकान नहीं है, पैसे की बहुत ज्यादा तंगी हो रखी है, लोन हो रखा है बहुत ज्यादा, संतान का सुख नहीं है जीवन में, या पत्नी तलाक लेना चाहती है, या पति तलाक देना चाहता है,
उन सब विषम परिस्थितियों से बचने के लिए, या कोर्ट कचहरी के झंझटों में फंसे हुए हैं, या समाज बार बार आपको प्रताड़ित करता है, तो उन सब स्थितियों में सुधार लाने के लिए, अपने ग्रहों को ठीक करने के लिए, आप बिना किसी झिझक स्क्रीन पर जो नंबर आ रहे हैं उनके माध्यम से हमसे व्हाट्सएप की वीडियो कॉल बुक करके अपनी जन्म कुंडली या अपनी प्रश्न कुंडली के माध्यम से या चेहरे के साथ परेशानियों के माध्यम से आप हमसे वैदिक रूप के जो उपाय हैं उन उपायों को अपना सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं, जिसके लिए निसंदेह जन्म कुंडली परामर्श और उससे संबंधित अगले दिन जो हम आपके लिए जो पूजा करते हैं बहुत छोटी सी एक फीस है, उस फीस को जो पे करने के पश्चात ही आप हमसे व्हाट्सएप की वीडियो कॉल पर बुकिंग का फिक्स टाइम और फिक्स डेट प्राप्त कर सकते हैं। जय शनिदेव।